दहाड़ों का सीजन चल रहा है, लेकिन उसी सीजन के बीच अब आम आदमी की जेब पर तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। सीएनजी पहले करनाल में 84 रुपये 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिल रही थी, और अब सीएनजी 87 रुपये 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी, यानी कि रात के बाद 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी में इजाफा हुआ है। तमाम लोग हैं जो सीएनजी की गाड़ी चलाते हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनका क्या कुछ कहना है वो जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अब सीएनजी 87 रुपये 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। सीएनजी की गाड़ी आम आदमी इसलिए खरीदता है ताकि उसकी कुछ बचत हो सके, लेकिन बचत होती हुई नज़र नहीं आ रही। भैया 3 रुपये सीएनजी बढ़ी है, कितना जेब पर असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा सर। जल्दी हर कोई चाहता है कि बचत हो, लेकिन इससे बचत होगी लगता है? नहीं सर, नहीं हो। तो आप देख सकते हैं लगातार सीएनजी के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भैया रात रात में 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी बढ़ी है, कितना असर आम आदमी की जेब पर? असर तो है, देखो काफ़ी ज़्यादा असर है। पेट्रोल के कंपैरिजन में पहले हम इस पे शिफ्ट हुए, अब इसका अल्टरनेटिव तो अब देखते हैं क्या मिलता है। त्योहारी सीजन आ रहा है, हर कोई चाहता है थोड़ी सी बचत हो, कुछ अच्छा खरीद पाएँ। हाँ बिल्कुल, ये तो हर आम आदमी ही चाहता है कि भाई ज़्यादा सेविंग करें तो त्यौहार पे कुछ थोड़ा बहुत खरीदारी कर सकें, लेकिन अभी नहीं हो रही है। अब 3 रुपये और बढ़ गए सीएनजी, तो आप देख सकते हैं 3 रुपये जो सीएनजी है वो और बढ़ी है, और उससे कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि पहले 84 रुपये 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी मिल रही थी, और अब 87 रुपये 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी मिलेगी। आम आदमी सीएनजी की गाड़ी या फिर अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इसीलिए लगवाता है ताकि उसकी बचत हो सके, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे और ऐसे में लोगों ने सीएनजी की गाड़ी लेनी शुरू कर दी, लेकिन अब सीएनजी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आम पब्लिक की क्या राय है वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। 3 रुपये सीएनजी बढ़ गई है, कितना असर आम आदमी की जेब पर? सर ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, इससे तो अच्छा है पेट्रोल की गाड़ी ले ले या डीजल की गाड़ी ले ले, वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफी कर रहा है सरकार हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं आम आदमी परेशान जरूर है, और आम आदमी जब परेशान होता है तो वो कहीं ना कहीं सरकार पर अपना गुस्सा निकालता है, और हर कोई चाहता है कि सीएनजी के दाम कम होने चाहिए। आम आदमी को जो झटका लगा है वो झटका नहीं लगना चाहिए। एक ऑटो वाले भैया हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है। भैया 3 रुपये प्रति किलो सीएनजी बढ़ गई है, कितना नुकसान होगा, कितना जेब पर असर देखने को मिलेगा? नुकसान तो क्या होना, 110 रुपये डीजल भी पहुंचा था, जब भी कोई नुकसान नहीं था, सब ओके है। कितना पैसा कमा लेते हैं, मतलब परेशानी नहीं होगी, बचत तो ऐसे कम हो जाएगी? नहीं होती, सब ओके है। तो आप देख सकते हैं सभी लोगों की अपनी अपनी राय है, और लोग सीएनजी पंप पर सीएनजी भरवाने पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि कतारें अभी भी लग रही हैं। दाम में रात को ही इजाफा हुआ है, दिल्ली एनसीआर में इजाफा हुआ है, करनाल जिले के अंदर इजाफा हुआ है, और अब जो सीएनजी है वो 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गई है। सीएनजी 87 रुपये 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या राय है। सर 84 रुपये 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से पहले सीएनजी मिल रही थी, अब 3 रुपये का इजाफा हुआ है, कितना असर आम आदमी की जेब पर? सर आम आदमी की जेब पर जब भी बढ़ोतरी होती है बहुत ही भारी इजाफा पड़ता है, उससे महंगाई बढ़ती है। अब ट्रांसपोर्ट में महंगाई बढ़ेगी सीएनजी से, जैसे आजकल ट्रांसपोर्ट सारा सीएनजी पे चलता था, अब ट्रांसपोर्ट जब सीएनजी पे चलता था उससे महंगाई बढ़ेगी, तो जो आम प्रोडक्ट्स हैं उनका भी मुजाफा होगा उनकी भी कीमतों में, उससे भी महंगाई पे बढ़ेगी, और ऊपर से लोगों के पास नौकरियां नहीं है, डेली वेजेस भी कम होते जा रहे हैं,
लोग उतना कमा नहीं पा रहे हैं जितना खर्चा हो रहा है। तो ये तो वही बात हो गई कि दिन दुगनी चार चुगनी वाली बात है कि भाई लोग कमा पा नहीं रहे हैं और खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। तो खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और आम आदमी की जेब पर उसका असर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो 3 रुपये का इजाफा हुआ है CNG के दामों में। अब CNG 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से महंगी मिलेगी। पहले करनाल में इसका दाम 84 रुपये 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से था और अब CNG 87 रुपये 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। आम आदमी सोचता है दिवाली पर, दशहरे पर, करवा चौथ पर कि कुछ अच्छा खरीदेंगे, घर के लिए कुछ वस्तु लेकर आएंगे जिसका उपयोग होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से CNG के दाम बढ़ेंगे तो उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और आम आदमी का यही कहना है कि CNG के दाम बढ़ेंगे तो फिर उसका असर हम सब्जियों के दामों पर, फलों के दामों पर और जो डेली वेजेस के प्रोडक्ट हैं उन पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आम आदमी CNG की गाड़ी इसलिए ख़रीदता है ताकि वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से बच सके, लेकिन CNG के दाम अब 90 के आसपास पहुंच चुके हैं क्योंकि 87 रुपये 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से CNG करनाल में मिल रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दिवाली से पहले ये एक तगड़ा झटका है और ये झटका आम आदमी सहन कर पाएगा या नहीं, क्या वो CNG की गाड़ी खरीदना बंद कर देगा या फिर वो जो दाम बढ़े हैं उसी के अनुसार आगे चलता हुआ नज़र आएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।